पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। ईदगाहों में नमाज अदा कर सभी ने एक दूसरे को दी पर्व की मुबारकबाद। सांसद विवेक बंटी साहू ने इमलीखेड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कार्यस्थल का किया निरीक्षण। हितग्राहियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। शासन द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्यमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में हुआ समापन। छोटा तालाब में की गई गंगा आरती। और सांसद विवेक बंटी साहू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन को दिए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। जरूरतमंदों के लिए किया रक्तदान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मुस्लिम समुदाय द्वारा आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर शहर की ईदगाहों सहित मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। गौरतलब है कि ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म के खास त्योहारों में से एक है। हर साल चांद की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा या बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार यह एक जरिया है कि जिसमें बंदा अल्लाह की रजा हासिल करता है, इसलिए बकरीद ईद उल अजहा पर कुर्बानी दी जाती है। ईद के मौके पर नगर निगम, पुलिस प्रशासन व अन्य विभागों के माध्यम से सभी स्थानों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस अवसर पर CSP, TI, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। क्यों
अरे खुलो अरे आपको जाओ अकेले जाना मेरी कर क्या हो गया पंडित का सागर का आज मुस्लिम भाइयों का जो पर्व है ईद उल अज़हा जिसको बकरीद के नाम से जाना जाता है आज बड़े ही अच्छे वातावरण में बड़ी ईदगाह में नमाज अदा की गई। लगभग 4 से 5 हज़ार नमाजियों ने यहाँ पे नमाज अदा की। पुलिस की चारों तरफ व्यवस्थाएं लगी हुई थी, पार्किंग से लगा के और यहाँ बैठे व्यवस्था तुम सभी लोग लगे हुए थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज कम्प्लीट हुई। शहर में सभी मस्जिदों में जहाँ जहाँ नमाज अदा होनी थी वहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था लगी हुई। और अब चूँकि यह कुर्बानी का त्यौहार कहलाता है तो उसमें भी व्यवस्थाएँ साफ़ सफाई से लेकर नगर निगम की व्यवस्थाएँ और पुलिस की जगह जगह पर व्यवस्थाएँ सुरक्षा की दृष्टि से लगी रही। आज ईद उल अज़हा के इस मौके पर सभी इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कुर्बानी का त्यौहार है, शहर छिंदवाड़ा अमनो अमान का गहवारा है, यहाँ का भाईचारा पूरे भारत में पहचाना जाता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ईद उल अज़हा के इस मौके पर सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाएँ, सब पर खैर बरकत अता फरमाएँ, अल्लाह की रहमतें उसकी नेमतें सब पर नाजिल हो जाएँ और छिंदवाड़ा शहर में जितने भी बीमार हैं उनको शिफा मिले, जिनको रोज़गार नहीं उनको रोज़गार मिले। हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हमारे इस शहर का पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। हम सब मिलजुल कर कुर्बानी के इस त्यौहार से एक सबक लें और अपने जीवन में इसको उतारें। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश के लोगों को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत अमन अमान के साथ मनाया जाए इसके लिए प्रशासन ने, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएँ किया। नगर निगम प्रशासन ने साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्थाएँ किया, पुलिस प्रशासन ने पूरे यातायात को मेंटेन करने के लिए पूरी व्यवस्थाएँ दिया और नगर निगम से और जिला प्रशासन से जो अंजुमन को जो त्यौहार के संबंध में जो ज़रूरतें पड़ती हैं वो सभी उन्होंने मुहैया कराया। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे जो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने अमन अमान के साथ इस त्यौहार को मनाया है, मैं उन्हें भी तहे दिल से मुबारकबाद। इमलीखेड़ा में पीएम आवास योजना के अंतर्गत बन रहे मकानों का आज सांसद विवेक बंटी साहू ने कार्यस्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। आपको बता दें कि इमलीखेड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रही अधिकारियों की उदासीनता व ठेकेदारों की अनियमितताओं के कारण पूर्ण नहीं हो सका है, जिसके चलते यहां पर मकान लेने वाले हितग्राही काफी परेशान हैं। उन्होंने सांसद विवेक बंटी साहू से मिलकर अपनी परेशानियां बताई, जिसके बाद सांसद ने कार्यस्थल पर पहुंचकर मकानों का जायजा लिया और हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान उनके साथ महापौर विक्रम हाके, नगर निगम कमिश्नर सीपी राय, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। सांसद विवेक बंटी साहू ने समस्याओं को सुनते हुए सभी अधिकारियों से उनके उपाय पर चर्चा की और हितग्राहियों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उन्हें उनके घर की चाबी सौंप दी जाएगी। और वो जांच कर रही है, दोषियों को दंडित कर रहा था, कोई किसी को बताएगा नहीं कि आपको पहले अधिकारी को या पहले के सब इंजीनियर को बताया जाए, वो नहीं होगा। तो ठेकेदार दोषी को ठेकेदार को भी पनिश कर रहे, गाली तो हमारे देश का खा रहे ना।
भैया ये प्रोजेक्ट 2019-20 हम लोग के घर बुक है और सब लोग ज्यादातर लोगों के बैंक से लोन है, हम लोग ब्याज पटा रहे 3-4 लाख रुपए तक ब्याज दे चुके हैं, अभी तक हैंड ओवर प्रायोरिटी में लेकर के इसको करवाऊंगा, 3.5 लाख तो ऊपर से इसको दे दिया भैया, अब प्रायोरिटी में लेकर के इस काम प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। पूरा MIC में पास हुआ था, उसमें वोटर फ्रेम हट गया था, बालकनी का हटा टेरेस का कर दिया सर, इसलिए कि फिर ये बात हुई थी कि बालकनी का जो भी होगा वो हिजाई खुद से मतलब टाइल से जो लगाना हो, क्योंकि सबकी अलग अलग वहाँ पे मंजिल हो गया। नहीं नहीं जी, आपने ढाल तो बनाई नहीं ना, जब ढाल बने और लेके नहीं बनता ना, कौन सी MIC पास में, कौन सी MIC में पास हुआ, मेरे को नहीं मालूम है ऐसा कुछ, MIC का वो निकाल दो, रिवाइज एस्टिमेट जो हुआ है नहीं कहाँ है, MIC का वो पेपर लगा दीजिए जी सर, आपकी जिम्मेदारी है डाउन देने की, अधीर आ गया ना, कौन है ठेकेदार से कोई कंपनी से जुड़ा हुआ है, अधीर आप हो जी सर, आओ जवाब दो यहाँ साहब, आइए ठीक है, अरे बैठिए, आज यहाँ पे आए थे, आपने निरीक्षण किया, पहले भी आपने आवाज उठाई थी, कब तक समाधान हो पाएगा? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुसार पूरे देश में 1.25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाएगा, उसके बाद मध्यम वर्गीय लोग जो हैं उनको भी आवाज़ की सुविधा मिले, इसको लेकर के उनको यह प्रोजेक्ट चालू किया गया था, लेकिन इसमें बड़ी अनियमितताएँ रही, बीच में भी होती रही, लगातार हम लोग प्रयास करते रहे कि उन लोग को जो इंदिराई है, जिनको यह मकान बनना है, उनको सारी जो भी शर्तों के आधार पर बुकिंग हुई थी उसके आधार पर उन्हें अपने मकान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती गई, और कल भी मेरे पास हमारे इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के जितने हितग्राही वो सभी लोग आए थे, तो हमने कल निर्णय लिया कि आज मैं यहाँ पर आकर के कमिश्नर और हमारे महापौर जी और हमारे वरिष्ठ पार्षद नगर निगम के जितने उनके साथ आकर के यहाँ का निरीक्षण करके और जो भी चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों ने मकान लिया है, लगातार जो उसकी किस्तें पटा रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको पोजिशन अभी तक मिला नहीं था, तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण हो और जल्द से जल्द उन सभी को पोजिशन मिले, क्योंकि आगे बारिश का भी है, अलग अलग परिस्थितियों में हमारे सारे हितग्राही कहीं ना कहीं रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, उनका खुद का मकान बन जाने के बाद भी वो या तो किराए से रह रहे हैं या पुराने मकान में रह रहे हैं, तो मैंने अभी अधिकारियों से बातचीत किया कि जल्द से जल्द उनके मकान पूरे करके सारी सुविधाओं के साथ उनको जल्द से जल्द दे दें। कमिश्नर से कही है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी ठेकेदार हैं और जिन्हें लापरवाही किए हैं उनको ब्लैकलिस्टेड करें और साथ में FIR करें, क्योंकि पैसा जनता का है, सरकार का है, गरीबों का पैसा है, उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें FIR होनी चाहिए। निरीक्षण किए, क्या खामी आई थी, क्या समस्या? बिल्कुल, बड़े लंबे समय से इतनी खड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ सामने आ रही थी, जिसको लेकर यहाँ के जो आम जनमानस है वो सांसद जी के पास पहुँचे और हमारे संवेदनशील सांसद आदरणीय विवेक भंटी साहू जी ने यहाँ का कार्यक्रम बनाया और आज पूरे हितग्राहियों के साथ संवाद किया, अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस तरीके से भी समस्याएं आ रही उसका समाधान किया जाए, और मैं महापौर होने के नाते सांसद जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बड़ी लंबी समस्या जिसमें सैकड़ों हितग्राही परेशान हो रहे थे, उनकी समस्याओं को सुनी और उसके निराकरण करने यहाँ पर वो पहुँचे। तब कब तक पूरा हो जाएगा यहाँ का? बिल्कुल, अभी समय सीमा उसमें जो निर्धारित है उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ पूर्व के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी हुई है, जिसको त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश सांसद जी ने दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्रता से यह काम पूरा होगा और हितग्राही को चालू। शासन द्वारा 5 जून से 16 जून तक चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम
16 जून को छिंदवाड़ा शहर के छोटा तालाब में आयोजित किया गया, जिसमें जलगंगा संवर्धन अभियान के उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा व सुना गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आमजन को संबोधित किया गया। संबोधन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा उज्जैन में शिप्रा नदी का पूजन किया गया। इस दौरान छोटा तालाब में आयोजित कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा छोटा तालाब में गंगा जल को छोड़ा गया एवं सभी आगंतुकों द्वारा गंगा आरती की गई। अपने उद्बोधन में सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि आज अभियान का सांकेतिक समापन है। यह जल संरक्षण का अभियान सतत रूप से चलता रहेगा। इस अभियान में 1480 स्थानों पर एक साथ जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। उन्होंने जल स्रोतों के उद्गम स्थलों पर पौधारोपण करने की बात भी कही। उद्बोधन के उपरांत कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की शपथ दिलाई गई। इसके बाद चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र दिए गए। स्वच्छता अभियान 2024 के अंतर्गत इस कार्यक्रम को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, CEO जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय, निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, पार्षद श्रीमती गरिमा प्रतीक दामोदर, श्रीमती किरण सोनी, लोकेश डहरिया, राहुल उइके, ब्रजेश टिंकू राय, संजीव यादव, प्रमोद शर्मा, बलराम साहू, राजकुमार बघेल, जगदीश गोदरे, हरिओम सोनी, संतोष राय, अभिलाष गोहर, जगेंद्र अल्डक, अरविंद राजपूत, अंकुर शुक्ला, मनोज सक्सेना, ओम चौरसिया, अमित माहौरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं आम जन उपस्थित थे। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर हमारे सम्मानित शीलेंद्र सिंह सर का ओजस्वी उद्बोधन सुना। जैसा कि सर ने कहा, ये आज 16 जून को केवल इस कार्यक्रम का सांकेतिक ही समापन है। जल संवर्धन से जुड़े कार्य हमको लगातार करते रहना है और इसकी बहुत सारी संभावनाएं भी हमारे यहाँ होगी। जिले का तेजी से विकास करने में उनका सहयोग लिया जाए। जहाँ उनकी जरूरत होगी हम अनुरोध उनसे करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन से वो अपनी बात रखें। अगर केंद्र सरकार से भी जरूरत होगी तो जिन योजनाओं में उनमें भी उनकी मदद ली जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आप उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की छिंदवाड़ा में शुरुआत करी तो मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग पहले नंबर में होंगे कि 1480 स्थानों पर एक साथ इस अभियान की हमारे यहाँ शुरुआत हुई। तालाबों का गहरीकरण, कहीं अतिक्रमण है तो उसको हटाने का काम, साफ सफाई का काम तो हमारे जिले में हुआ है प्रशासन के नेतृत्व में। अनुभी जैन इसके बाद आ जाए तैयार रहे। अनुभी जैन इसके बाद तैयार हो पुरस्कार की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस से प्रारंभ हुई जल गंगा संवर्धन अभियान और आज गंगा दशहरा के अवसर पर इस सांकेतिक समापन का कार्यक्रम हुआ है। आज आवश्यकता है कि हमें जल का संवर्धन करना है, हमारे जो जल के स्रोत है उन्हें संवारना है और वहां पर वृक्षारोपण करके किस तरीके से हम लोग जल बढ़ा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यह सामने आया था कि 50 वर्षों में नर्मदा जी का जल सूख जाएगा। तो सोचिए, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, ऐसी मां नर्मदा का अगर जल सूखेगा तो क्या स्थिति होगी। हमें आज ही जागना पड़ेगा, हमें अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रख करके उसे जल की मात्रा कैसे बढ़ा सके, बारिश का जल रोक करके साथ ही साथ वृक्षारोपण करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। मैं समस्त जिले के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि हम लोग वृक्षारोपण करें और अपने जल के स्रोतों को स्वच्छ रख करके जल बढ़ाने का काम करें। सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने RMO डीन एवं अन्य चिकित्सकों को अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सांसद विवेक बंटी साहू ने विशेष रूप से दुरस्त क्षेत्रों से प्रसूति के लिए जिला अस्पताल पहुंचने वाली महिलाओं एवं उनके परिवारों को घंटों ऑपरेशन के लिए जो इंतजार करना पड़ता था और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसे शीघ्र अतिशीघ्र सुधारने के निर्देश दिए। जनरल वार्ड में निरीक्षण के दौरान सांसद श्री साहू को मरीजों द्वारा साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने एवं अस्पताल के शौचालयों में ताला लगने की शिकायत मिली। इस हेतु भी सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा अस्पताल प्रबंधन को सफाई ठेका कर्मियों को नोटिस देने एवं अस्पताल में सफाई व्यवस्था करने के कड़े निर्देश दिए गए। अस्पताल निरीक्षण के पश्चात सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा अस्पताल प्रबंधन की बैठक ली गई, जिसमें जिला चिकित्सालय से संबंधित अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई एवं उनके निराकरण हेतु उपाय पर बातचीत की गई। साथ ही सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा बताया गया
कि एक माह में उनके द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित फोफली, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती गरिमा प्रतीक दामोदर, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर बजाज, डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर भोला यादव, डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर वतन राजा, डॉक्टर मालवीय, घनश्याम पंजवानी उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय, एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा जिला चिकित्सालय में चल रही ब्लड की कमी को देखते हुए रक्तदान किया गया। रक्तदान करने के बाद सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि इलाज के दौरान समय पर रक्त उपलब्ध न होने के कारण बहुत से मरीजों की जान चली जाती है। उन्होंने छिंदवाड़ा के प्रत्येक नागरिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की ताकि रक्त की कमी से होने वाली मौतों को रोका जा सके। साथ ही जिले के ब्लड बैंक में जो रक्त की भारी कमी है उसकी पूर्ति हो सके। गौरतलब है कि विगत दिनों भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 150 यूनिट से अधिक रक्तदान किया जा चुका है। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू के साथ अन्य भाजपा नेता, कार्यकर्ता व चिकित्सक उपस्थित रहे। देखिए, रक्तदान महादान है और हमारा जन्म मानव योनि में हुआ है, तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज दो दिन पहले, तीन दिन पहले हमें पता चला कि जिला अस्पताल में ब्लड की कमी है, और चाहे सिकल सेल के मरीज हों, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है उनके वो मरीज हों, तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ से चर्चा करी और एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर जिस दिन था उस दिन हमारे जिले का बेटा, एक माटी कलन हमारा कबीर दास उईके जी, उस दिन शहीद हो गए थे। और फिर अचानक मुझे भोपाल जाना पड़ा था, उस दिन मैंने रक्तदान नहीं किया था, आज आकर के मैंने रक्तदान किया हूँ। मैं समस्त जिलेवासियों से भी अपील करता हूँ कि रक्तदान करें, ये हम सभी का दायित्व है। सरकार अपना काम करती है लेकिन हमें अपना दायित्व पहचानना चाहिए, हमें अपना दायित्व समझना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार आकर के रक्तदान कर सकता है, उसके शरीर में कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज मैंने शुरुआत करी है, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा लगभग 70 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। आगे भी यह क्रम लगातार चलता रहेगा और हम हमारे छिंदवाड़े के जिला अस्पताल में ब्लड की कमी नहीं आने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं समस्त जिले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि रक्तदान करें। कहते हैं चाको राके साइयां मार सके ना कोई। इमलीखेड़ा चौक में आज यह कहावत चरितार्थ होती दिखाई दी जब सड़क के किनारे खड़े दो युवक एक ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इस हादसे के दौरान दोनों युवक सड़क के किनारे खड़े होकर काम कर रहे थे,
तभी अचानक सड़क से गुजरता हुआ ट्रक पलट गया और उसमें लदे हुए बांस उसी स्थान पर जाकर गिरे जहां पर युवक खड़े हुए थे। परंतु ट्रक को पलटता देखकर युवक पहले ही उस जगह से हट गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हुई है। दुर्घटना से एक युवक के दो पहिया वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। सोलह जून की शाम महाराणा प्रताप भवन नरसिंहपुर रोड में जिला राजपूत क्षत्रिय सभा छिंदवाड़ा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधिवत निर्वाचन व सर्वसम्मति से राजेश सिंह बैस को अध्यक्ष बनाया गया। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा की बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित हुए, जिसकी अध्यक्षता समाज के पूर्व अध्यक्ष संत सिंह सेंगर ने की। इस अवसर पर मनमोहन सिंह पटेल, अरुण सिंह चौहान, महिला अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी चौहान, पूर्व पार्षद प्रीति बिसेन सहित अन्य वरिष्ठ उपस्थित रहे। बैठक में 19 मई को हुए समाज के निर्वाचन को उसे विधिवत न मानते हुए निरस्त किया गया तथा नवीन अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से राजेश सिंह वैस की नियुक्ति की गई। आज जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के विधिवत स्वजाति बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों की उपस्थिति में संपन्न हुए, जिस पर उपस्थित सभी बंधुओं ने सर्वसम्मति से मुझे समाज के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए, भवन निर्माण के लिए, समाज के युवक और युवतियों के भविष्य के निर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक में सचिव श्री रविकांत सिंह जी चंदेल एवं कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी चौहान को यथावत रखा गया। आगे की कार्यकारिणी भविष्य में सबकी सहमति से बनाई जाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशी के विषय में जानकारी दी। सभी का एक साथ परिचय करा दी। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसीलिए बना क्योंकि आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा आजादी कितने वर्षों बाद, और सबसे अगर लड़ाई इस बात का एक्सेप्ट भी किया सरदार वल्लभ भाई उन्होंने एक पत्र में लिखा कि सब आदिवासी पहले से लड़े हैं आजादी के लिए, 1857 से पहले, और देश के अंदर इतनी जो है ना सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे लोगों ने दी है, और वो समाज आज भी जल जंगल जमीन से भटक रहा है। ये तमाम बातों को ध्यान में रख करके हम युवाओं को ये बोल रहे हैं कि अमरवाड़ा विधानसभा 123 से उपचुनाव होना है, उसकी आज घोषणा होनी है, और इसके बाद हम सभी लोग अपने अपने इसमें विधानसभा की जीतने की लिए तैयारी में हैं और जीतने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो राष्ट्रीय और यहाँ पर जो वरिष्ठ समाज सेवी है सर्वसम्मति से आज, क्योंकि रात में हम लोग पहुँचे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के साथ में, और बारा ढाना करके गांव है, रात में वहां पर विश्राम किए, और हमारे जो यहां पर जिनको क्षेत्र में मानते हैं, प्रदेश में मानते हैं, दादा मानसी इनवाती जी, उनके निर्देशन पर उपचुनाव के लिए अमरवाड़ा विधानसभा से जिन्होंने इससे 2023 में भी चुनाव लड़ा है और अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, और छिंदवाड़ा लोकसभा से पूरे एमपी में जो है वोट जो है ज़्यादा मिला है देवरावन भलावी जी को, और लगभग उनका नाम तय है और आगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी स्थिति में आज इस संबंध में आप सभी वरिष्ठ गणों को, पत्रकार गणों को इसलिए आमंत्रित किया गया है ताकि अमरवाड़ा विधानसभा का जो उपचुनाव अभी सर पे है और अभी चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, उस संबंध में
प्रत्याशियों की भी घोषणा यहां पर से होगी। आज तमाम पहलुओं में चर्चा और चिंतन और सामाजिक तमाम सभी लोगों को राय लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय त्रिलेश्वर मरकाम जी, श्याम मरकाम जी, तमाम चर्चा के उपरांत आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे पूरे पदाधिकारी जो प्रदेश के शुभचिंतक भी हैं, सलाहकार भी हैं, ये तमाम चर्चा करने उपरांत आज हम अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए हमें माननीय श्री देवरावन भलावी जी को प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो उनकी उज्जवल भविष्य के लिए आम जनता नागरिक के लिए जो है चुनकर के आए। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। ईदगाहों में नमाज अदा कर सभी ने एक दूसरे को दी पर्व की मुबारकबाद। सांसद विवेक बंटी साहू ने इमलीखेड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कार्यस्थल का किया निरीक्षण। हितग्राहियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। शासन द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्यमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में हुआ समापन। छोटा तालाब में की गई गंगा आरती। और सांसद विवेक बंटी साहू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन को दिए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। जरूरतमंदों के लिए किया रक्तदान। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।